सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए मंगलवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित खमरिया लॉन्ग प्रूफ रेंज यानी कि LPR फायरिंग रेंज में स्वदेशी तौर पर अपग्रेड की गई सारंग नाम की 155 mm और 45 कैलिबर के आर्टरी गन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इस सारंग प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर जैनकर का कहना है कि 18 अपग्रेडेड सारंग आर्टिलरी गन्स के पहले बैच को इसी साल 31 मार्च को इंडियन आर्मी के सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। और बता दें कि सारंग आर्टिलरी गन को कानपुर ऑर्डनेंस फैक्ट्री और गन कैरिज फैक्ट्री ने पूर्ण रूप से स्वदेशी तौर पर 130 mm और 39 कैलिबर से 155 mm और 45 कैलिबर में अपग्रेड किया है। और इसके साथ ही जो इसके 27 किलोमीटर की रेंज थी उसे भी बढ़ाकर 39 किलोमीटर यानी कि 39 किलोमीटर तक कर दिया गया है। कि जो इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 36 किलोमीटर है। और इस प्रोग्राम से जुड़े ऑफिसर्स का कहना है कि ये 100% एक स्वदेशी हथियार है। और इस परीक्षण के दौरान इस गन सिस्टम को 3 अलग अलग एंगल्स में टेस्ट फायर किया गया है। और केवल पूर्ण रूप से स्वदेशी ही नहीं बल्कि इस गन को अपग्रेड करने की जो लागत है वो भी काफी कम है। और इस सफल टेस्ट के साथ जबलपुर ऐसा पहला शहर बन गया है जहां इस सारंग गन को बनाया जा सकेगा, उसे मॉडिफाई किया जा सकेगा और साथ ही साथ उसका परीक्षण भी किया जा सकेगा। और जो इस सारंग आर्टिलरी गन है वो मूल रूप से सोवियत यूनियन की है जिसे M46 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी M46 को अपग्रेड करके ही सारंग आर्टिलरी गन को बनाया गया है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक चेन्नई के पास मौजूद इंडियन ऑर्डनेंस बोर्ड्स इंजन फैक्ट्री में इंडियन मिलिट्री के मेन बैटल टैंक्स के लिए इंजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 2 गुना कर दिया गया है। इससे पहले इस फैक्ट्री में हर साल करीब 350 इंजन्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे, लेकिन अब इस फैक्ट्री से हर साल करीब 750 के आसपास इंजन्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और इस बात की जानकारी बोर्ड चेयरमैन हरि मोहन ने मीडिया के साथ बात करते हुए दी है। और इंजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 2 गुना करने का फैसला इंडियन आर्मी की बढ़ती हुई डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और बता दें कि चेन्नई के पास अवधि में स्थित ये इंजन फैक्ट्री देश की एकमात्र ऐसी यूनिट है जो कि इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक्स के इंजन्स को मैन्युफैक्चर और उनकी ओवरहॉलिंग करती है। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक अगले महीने लखनऊ में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो 2020 में लॉकहीड मार्टिन अपने 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट F-35 लाइटनिंग 2 को भी प्रदर्शित कर सकती है। और अगर वाकई में लॉकहीड मार्टिन F-35 को डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित करती है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि F-35 काफी सारे लोगों का आकर्षण का केंद्र रहेगा। बाकी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि लॉकहीड मार्टिन वाकई में F-35 को प्रदर्शित करेगी या नहीं। बाकी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इस डिफेंस एक्सपो में MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स, C-130J सुपर हर्क्यूलिस और जेवलिन एंटी टैंक कैरेट मिसाइल सिस्टम्स के साथ साथ F-21 फाइटर भी प्रदर्शित किया जाएगा जो कि लॉकहीड मार्टिन ने MMRCA डील के तहत इंडियन एयरफोर्स के सामने पेश किया है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इस बार डिफेंस एक्सपो में F-21 का कॉकपिट डेमोंस्ट्रेटर भी मौजूद रहेगा। और इसी तरह और भी कई सारी फॉरेन कंपनीज अपने एडवांस इक्विपमेंट्स को इस दौरान पेश करने वाली हैं। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात किए जाने वाले इंडियन सोल्जर्स को वहां के एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए करीब 1.5 लाख रुपए तक की कीमत वाली सर्वाइवल पर्सनल किट और इक्विपमेंट दिए जाएंगे। और अभी जनवरी के 2nd सप्ताह में जब इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरावने ने सियाचिन ग्लेशियर की अपनी यात्रा की थी तब उस यात्रा के दौरान इंडियन आर्मी चीफ ने खुद व्यक्तिगत रूप से इन इक्विपमेंट और पर्सनल किट की जाँच और समीक्षा की है। और टॉप आर्मी ब्रास की तरफ से स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात ट्रूप्स को और भी फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है तो वो उन्हें दी जाएंगी। और बता दें कि सोल्जर्स को जो पर्सनल किट दी जा रही है उसमें मल्टीलेयर्ड एक्सट्रीम विंटर क्लोथिंग जैसे ऑब्जेक्ट शामिल हैं जिसकी कीमत 28,000 रुपए पर सेट पड़ती है। और इसमें स्पेशल स्लीपिंग बैग भी शामिल है जिसकी कीमत करीब 13,000 रुपए के आसपास है। और बाकी इसी तरह इसमें ऐसी कई सारी चीजें हैं जो वहाँ पर तैनात सोल्जर्स को वहाँ के एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेंगी। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है और ये एक ऐसा बैटलफील्ड है जहाँ पे दुश्मन की गोली से ज्यादा खतरा वहाँ के मौसम से होता है। बाकी हमने सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात सोल्जर्स की लाइफ पर एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए करीब 232 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है और इस बजट की मदद से CAPF के जवानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाएगा।
भारत के पहले मैन स्पेस मिशन गगनयान के तहत इसरो जिस ह्यूमेनॉइड को सबसे पहले इस मिशन में भेजेगी उस ह्यूमेनॉइड यानी कि उस रोबोट के बारे में खुलासा कर दिया गया है। इस ह्यूमेनॉइड का नाम है व्योममित्रा जो कि एक लेडी रोबोट है और इस ह्यूमेनॉइड के रिगार्डिंग ऑफिशियली वीडियोस भी जारी की गई हैं। और ये व्योममित्रा हाफ ह्यूमेनॉइड का पहला प्रोटोटाइप है जिसे पहले अनमैन गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा गगनयान मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया है उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए इंडियन फ्लाइट सर्जन्स को ट्रेनिंग फ्रांस द्वारा दी जाएगी। और बाकी इसके अलावा देश की पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पोलनेट 2.0 नाम के एक नए कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है जो कि देश के मोस्ट रिमोट एरियाज और ऑफशोर एरियाज पर भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से कम्युनिकेशन बनाने में मदद करेगा। यानी कि सिस्टम की मदद से पैरामिलिट्री के वो जवान जो ऐसे क्षेत्रों पर तैनात है जहां पर कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है जिस वजह से वो अपनी फैमिलीज और अन्य लोगों से कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाते हैं, लेकिन ये सिस्टम उनको इस कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी कि CRS रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के पास अब सैन्य कार्रवाई करने का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है क्योंकि उसकी क्षमता में भारी गिरावट आई है और ऐसे में अब पाकिस्तान केवल कूटनीति पर ही निर्भर रह सकता है। लेकिन इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के पास जो कूटनीति का विकल्प मौजूद है वो भी इतना आसान नहीं है और इसके पीछे की वजह में ये बताया गया है कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों को गुपचुप तरीके से समर्थन देने का जो इतिहास है उसी को देखते हुए उसकी विश्वसनीयता काफी कम हो गई है। आपको बता दें कि जिसने रिपोर्ट जारी की है यानी कि कांग्रेशनल रिसर्च सर्वे CRS वो अमेरिकी संसद की एक स्वतंत्र रिसर्च विंग है और ये अमेरिकी सांसदों के सुझाए मसलों पर रिपोर्ट तैयार करती है। और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पाकिस्तान अभी भी कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देता है तो इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि ईस्टर्न ब्रिज 5 एक्सरसाइज किस देश के साथ भारत ने आयोजित की थी और इसका सही जवाब है ओमान। और ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच आयोजित की गई थी। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।